बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आज हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन C++। ये हमारे पास C++ में प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के रूप में और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका प्रयोग दिए गए ऑपरेंड की वैल्यू में एक इंक्रीज करने के लिए या एक बढ़ाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर ए के अंदर हमने 5 स्टोर किया हुआ है, ए प्लस प्लस करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी 5 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 6। तो ये ए प्लस प्लस पोस्टफिक्स है और प्लस प्लस ए ये प्रीफिक्स है। नॉर्मल कंडीशन में इनमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब हम इसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तब ये इसमें अंतर आ जाता है। इसका हम प्रैक्टिकल डेमो आपको करके दिखाएंगे। अगला हमारा ऑपरेटर है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका प्रयोग दिए गए ऑपरेंड की वैल्यू में से एक माइनस करने के लिए किया जाता है। तो सपोज ए के अंदर हमारा 5 स्टोर है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5, ए माइनस माइनस करेंगे इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, यानी ए की वैल्यू में से 1 माइनस करके वापस ए में स्टोर कर देना, तो इसका रिजल्ट हमारा हो जाएगा 4। तो चलिए इसको हम C++ में दिखाते हैं आपको। ये देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इज इक्वल टू 5 ए प्लस प्लस। अब ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट के बाद ये क्या रिजल्ट आता है देखिए। सबसे पहले कंपाइल करिए, कंपाइल करने के बाद इसको रन कर दिए, 6। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें आप प्लस प्लस ए करके देखिए। ये देखिए प्लस प्लस ए और इसको रन करके देखिए, इसमें भी 6 आ रहा है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसी तरह से ए माइनस माइनस ए करके देखिए, तो माइनस माइनस ए करके देखेंगे ये 4 आ गया, ए माइनस माइनस करके देख लीजिए तो इसमें भी आपका 4 आएगा। देखिए इसमें भी आपका 4 आया। ठीक है, अब इसके अंदर हम सपोज एक छोटी सी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, फिर उसका रिजल्ट आपको दिखाते हैं। सपोज यहाँ पर अपन ने एक और वेरिएबल ले लिया बी, और इस बी वेरिएबल के अंदर हमने ये कहा कि बी इज इक्वल टू 10 इंटू ए माइनस माइनस। ठीक है, सपोज ए के अंदर हमारा 5 स्टोर है, इसको 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10 10 से गुणा करेंगे इसका। अब आप बी का रिजल्ट देखिए इसका। ठीक है, ये देखिए इसका 50 आया, दैट मीन्स माइनस माइनस वैल्यू का हमारा 100 नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहां पर आप ये न्यू लाइन कर लीजिए, यहां पर ए की वैल्यू भी 100 करके देखिए। ठीक है, ए ये देखिए ए में 4 आ रहा है लेकिन ऊपर 50 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर देगा, फिर बाद में अगली लाइन में जाने से पहले इसको माइनस करेगा। अगर इसको हम प्रीफिक्स करते हैं, ठीक है, तो पहले ये माइनस करेगा उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा। देखिए ठीक है, आ गया 40 ये। तो इसी तरीके से हम इसमें प्लस प्लस का भी देख सकते हैं, प्लस प्लस में पहले प्लस करेगा फिर उसके बाद। ठीक है, इसी तरह से बाद में इसको करोगे, ये देखो